हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुराधा पांडे, आज क्लास टेंथ का टॉपिक सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जो कुल 10 अंक का है, जिसमें से सांख्यिकी से एक बड़ा क्वेश्चन 6 अंक का और एक प्रायिकता से 2 क्वेश्चन 3 और 1 अंक का आता है, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सवाल आता है 6 नंबर का, जिसमें आपको ज्ञात करना हो माध्य माध्य क्या बहुलक, तीनों एक साथ नहीं आता, कोई दो चीजें पूछ लेते हैं, कभी कभी एक ही पूछ लेते हैं, हो सकता है इसके साथ अथवा में एक क्वेश्चन और भी आ जाता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है माध्य माध्यक और बहुलक। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ग बनाएंगे। वर्ग जो होगा वो सतत है, जिसमें सतत वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ग लेंगे। वर्ग दिया हुआ है आपका 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ये आपको वर्ग दिया हुआ है। अब जैसे हमने इसमें कोई फॉर्मूले डिस्कस नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, फिर भी हम आपको बता दें कि वर्ग दो तरह से होते हैं, एक होता है सतत और एक होता है असतत। सतत और असतत वर्ग क्या होता है वो देखते हैं। देखो, सतत में जो होता है, जो वर्ग है, कोई भी वर्ग जिसमें पहला वर्ग जैसे 25 पे खत्म हो रहा है, अगला 25 से ही शुरू हो रहा है, वर्ग जिस अंक पे खत्म हो रहा है उसी अंक से अगला वर्ग शुरू हो रहा है, तो ये जो वर्ग कहलाएगा ये क्या होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये जो अंतराल है, वर्ग है, ये क्या है, सतत है। अब इसमें कितने का अंतराल है ये हम देखें, तो अंतराल हम इसको H से लिखते हैं, जो किस तरह से ज्ञात करते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यदि अंतराल सतत है तो अंतर कितने का है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस कर देते। कोई भी वर्ग ले लो आप, देखो 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, 10 में से 0 घटाएंगे 10 आएगा, यानी एच जो आएगा वो हमारा कितना है 10। इसको हम वर्ग चौड़ाई कह सकते हैं, अंतराल कह सकते हैं, वर्ग अंतराल कह सकते हैं कि कितने का वर्ग अंतराल है, कुछ भी कहा जा सकता है। असतत इसमें क्या होता है, जहां वर्ग खत्म होता है अगला वर्ग उसके अगले अंक से शुरू होता है, जैसे हमने लिखा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, तो ये वर्ग क्या है, असतत है। इसमें जहां खत्म हो रहा है उसके अगले अंक से शुरुआत हो रही है, और यदि इसमें हम h निकालना चाहे तो इसके लिए h निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा प्लस 1। प्लस 1 क्यों करेंगे हम देखते हैं, जैसे हमने इस अंतराल में देखा 0 से 10 और अगला अंतराल है 10 से 20, तो 0 से 10 में ये 9 तक ही होगा, 10 क्या हो जाएगा अगले अंतराल में आएगा, परंतु यहाँ ये 9 जो है वो इसी अंतराल में शामिल होगा, वो अगले में नहीं जाएगा, क्योंकि अगला अंतराल कहाँ से शुरू है, 10 से, परंतु ये 10 पे खत्म है और अगला 10 से ही शुरू है, तो यहाँ 9 तक ही गिना जाएगा, अगला अंतराल 10 से गिना जाएगा, और वो कहाँ तक गिना जाएगा, 19 तक। तो अगर हम 0 से 9 तक गिन भी ले तो वो कितना होगा, 10 का अंतर होगा, या 10 में से 0 घटा के देख ले तो भी 10 का अंतर, परंतु यदि हम यहाँ घटाते तो अंतर कितने का आ रहा है, 9 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 9। परंतु अगर कोई कह दे कि यहाँ h का मान 9 है
तो ये गलत है, यहाँ h का मान 9 नहीं है, यहाँ भी h का मान कितना है 10 है। आप गिन के देख सकते हो, 0 से 9 तक गिनोगे तो पूरे 10 अंक ही आएंगे, और इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें प्लस 1 करते हैं। इसके अलावा है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, जो वर्ग दिया हुआ है प्रत्येक वर्ग का मध्यमान, जैसे 0 से 25, इसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। x का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये एक फॉर्मूला है मध्य बिंदु ज्ञात करने का, किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। पहले वर्ग देखें हम 10 से 25, यानी 10 और 25 को हमें जोड़ना है, कितना हो जाएगा, और फिर उसमें 2 का भाग लगाना है। तो जब हमने 10 और 25 को जोड़ा तो कितना हो गया 35, और 35 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17.5। इसी तरह यानी x का इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, पहले हम f भी लिख लेते हैं। f क्या है, दी हुई बारंबारता है, जो कितनी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब हमें क्या करना है, x निकालना है। आपको याद रखना है माध्य ज्ञात करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं, 2 तो आपको दिए होंगे, 3 और बनाने हैं, कौन सा x, u और f u, ठीक है। ये 3 कॉलम कैसे बनेंगे, पहले हम x की बात करते हैं। x क्या होता है, वर्ग जो दिया हुआ है उसके प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु होता है, जैसे 10 और 25 के बिल्कुल मध्य में कितना आएगा 17.5। अब हम इसी तरह सभी वर्गों का निकालेंगे कि मध्य में कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, आप सबको जोड़ना आता है, भाग करना भी आता है। तो हमने 40 और 25 को जोड़ा, कितना हो गया 65, और 65 को जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग लगाना आपको आता है सभी को, जब हम 65 में 2 का भाग लगाएंगे 6 गया 3 बार, फिर 5 आएगा नहीं 4 गया 2 बार, फिर 0.5 एक बच गया, पॉइंट लगा के 0 उतारा 5 बार, 32.5, ठीक है। अब देखो हमारा वर्गांतराल कितना है, हमने बताया था h हमने ज्ञात किया कितना है 15, क्योंकि सभी वर्गों का अंतर कितना है 15। अब हमने इसमें जब 15 जोड़ा तो कितना आ गया 32 आ गया, क्योंकि वर्गांतराल 15 है तो ये x का मान हर बार कितना बढ़ता जाएगा 15 बढ़ता जाएगा, और अगर वर्गांतराल 10 होता तो हर बार क्या होता 10 बढ़ता जाता, जैसे 17.5 है तो फिर 27.5, 37.5, और नहीं तो आप जोड़कर भी निकाल सकते हो। अगला जैसे हमने निकाला 40 से 55 के बीच क्या होगा, तो चाहो तो आप इसमें 15 और जोड़ दो, जैसे 32.5 और इसमें 15 और जोड़ दिया, क्योंकि वर्गांतराल कितना है 15 है, तो हर बार 15 फर्स्ट पॉइंट निकाल लो और उसके बाद हर बार संख्या में 15 जोड़ दो, जैसे 32.5 में हमने 15 जोड़ा तो कितना आ गया 5.74, 47.5। आप ऐसे भी कर सकते हो हर बार 15 जोड़ के, या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग भी लगा सकते हो, फिर से 15 जोड़ ले हम इसमें तो कितना हो जाएगा 0.5, 12 और 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 62.5। आपको पता है 55 से 70 के बीच में बिल्कुल क्या होगा 62.5 होगा। अगला जैसे 70 से 85, इसको हम जोड़ ले, या 62.5 में 15 आप और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 7 और 7, यहाँ कितना आ जाएगा 0.5, 77.5। लास्ट बारंबारता कितनी दी हुई है 1, और इसमें फिर 15 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट के पीछे 5 है और आगे जोड़ दिया 12, और फिर 1 हासिल लगा दी 7, 8 और 9, 92.5,
ठीक है, ये तो आ गया x। अब u कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पर उस फॉर्मूले का कहीं आपको यूज नहीं लेना। ये विधि जो है वो क्या है, कल्पित माध्य विधि है। इससे माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, वापिस सुनो, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। जो सिग्मा है उसको कहते हैं योग, किसका योग करना है हमें, सिग्मा एफ यानी एफ का हमें योग करना है, उसके बाद है सिग्मा एफ यू यानी जब एफ को यू से गुणा करेंगे तो जो भाग आएगा उसका हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, पहले हमें यू ज्ञात करना है। यू कैसे ज्ञात करते हैं, यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बटा एच। एक्स आपको पता है ये ज्ञात किया, एच आपको पता है 15, ए कितना है वो आप खुद डिसाइड करते हो। कैसे, यहाँ जितने भी वर्ग दिए हुए हैं उसमें जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके सामने जो एक्स का मान होगा वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। वापिस सुनो, ए क्या होगा, ऐसे तो यदि अगर आपको यहीं तक दिया होता तो जो सेंटर में होता, गिन लो सात है तो सात में बीच में सेंटर में कौन सा होगा, चार नंबर वाला पद, तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। परंतु यहाँ कितने है, छह है, बीच में तो ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों में से किसका चयन किया जाए, ए के लिए। ए होता है कल्पित माध्य, कल्पना करके हमें जो माध्य लेना है वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य ए कैसे लेंगे, अगर बीच में दो पद आ रहे हैं तो जिसकी बारंबारता अधिक है वो क्या हो जाएगा, उसके सामने जो एक्स का मान हो जाएगा वो क्या होगा, कल्पित माध्य। हमने कल्पना करके माना कि इसका माध्य इतना हो सकता है, ए का मान आ गया एच का मान। अब यू क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस याद रखो जो आपने ए लिया उसके सामने आपको क्या लिखना है, जीरो ऊपर माइनस एक माइनस दो और नीचे क्या लिखना है, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन। ये आया कहाँ से वो भी हम आपको बताएंगे, पर आप याद रखो कि यू कैसे ज्ञात करना है, जो ए लिया उसके सामने आपको जीरो रखना है, जो ए माना उसके सामने जीरो ऊपर माइनस एक दो तीन, जहां तक भी जा रहा है नीचे प्लस एक दो तीन। अब ये आया कहाँ से, देखो फॉर्मूला क्या होता है यू का, एक्स माइनस ए बटा एच। ठीक है, एक्स का मान इस, ये माइनस एक कहाँ से आया हम आपको बता रहे हैं, एक्स का मान कितना है 32.5, माइनस आपको क्या करना है 47.5, बट्टे में क्या करना है 15। अब जब 47.5 में से आप 32.5 घटा के देखो, 47.5 माइनस 32.5, जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 15, कितना आ रहा है 15, यानी 15 किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, देखो ये माइनस 47.5 बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, तो ये हो गया माइनस 15 जिसमें आपको भाग किसका लगाना है, 15 का, और यदि 15 में 15 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक। इसी तरह आप इसके लिए भी सॉल्व करके देख सकते हो, तो आपको सब सॉल्व नहीं करना है, आपको बस अपने दिमाग में ये याद रखना है कि यू हमें कैसे लेना है, जो ए लिया उसके सामने वाला पद जीरो, उसके ऊपर माइनस एक दो तीन, नीचे प्लस एक दो तीन। ठीक है, अब हम इसके बाद एफ और यू को गुणा करेंगे, एफ और यू का हमें क्या करना है, गुणा करना है, एफ और यू का गुणा करना है। F यहाँ लिखा हुआ है, U यहाँ लिखा हुआ है, हम F और U को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, F का हमें किससे गुणा करना है, U से। 6 को जब माइनस 2 से गुणा करोगे माइनस 12, 20 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 20,
जीरो को जब 44 से गुणा करेंगे जीरो, 26 को 1 से गुणा किया 26, 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस के आ रहे हैं ये ऊपर वाले माइनस के, और 3 को जब 1 से गुणा किया प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, माइनस की संख्या को अलग जोड़ लेंगे और प्लस की संख्या को अलग। तो हम इसको जोड़े तो ये कितना होगा, माइनस, जोड़ना तो आता है आप सभी को, माइनस 32, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 6 और 6 12 और 3 15, फिर एक यहाँ हासिल आ जाएगा 3, 35 प्लस का आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू क्या होगा, इसकी टोटल हो जाएगी एफ यू की कितनी होगी, 35 माइनस 32, 35 में से जब 32 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 3। और इसकी टोटल करनी है हमें, इसको जोड़ना है इकाई अंक से जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 6 16, 17 18 19 और 20, 2 हासिल आ जाएगी, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 9 और 10, इसकी टोटल कितनी हो गई, 100। मान रखते हैं फॉर्मूले में, ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, आपने लिया 47.5, ए का मान कितना 47.5 ये लिखा हुआ। उसके अलावा आपको सिग्मा एफ यू जो कितना है, 3 है प्लस का 3, सिग्मा एफ ऑफ का दिया हुआ है कितना है 100, गुणा एच का मान आपने पहले निकाला, वर्गंतरालों का अंतर कितना है 15 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 47.5 प्लस 45/100, 47.5। अब 45 में हम 100 का भाग लगाएंगे, आपको पता है 100 हजार का भाग लगाते समय जितने जीरो है बस पॉइंट के पीछे उतने अंक रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 0.45। जोड़ देंगे 47.5 को और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47.95। किस तरह से जोड़ते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान दो, जैसे 47.5 में आपको जोड़ना कितना है, 0.45, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हमेशा जोड़ते समय। तो ये 5 5 हो गया, ये 5 और 4 जुड़ के 9 हो गए, और आगे 47 में 0 जुड़ गया 47। अब ध्यान दो, आपने जो आंसर निकाला ये आपका सही है या नहीं, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, देखो आपने जो ए लिया वो कितना था, 47.5। इसके सामने का वर्ग देखो, देखेंगे कितना है, इसके सामने जो वर्ग है वो कितना है, इसके सामने का वर्ग है 40 से 55। जो आंसर आपका आएगा वो कितना होगा, 40 से 55 के बीच में होना चाहिए, ना 55 से ज्यादा जाना चाहिए ना 40 से कम होना चाहिए। यदि है तो आपको लगना चाहिए कि आपका सवाल कहीं गलत हो रहा है, आप उसे एक बार वापस जा सकते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का बड़ा सवाल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, एक्स यू और एफ यू। एक्स तो क्या होगा, इसका मध्यमान होगा, यू जो है वो आपने जो ए माना, कल्पित माध्य माना, उसका उसके सामने 0, ऊपर माइनस 1 2, नीचे प्लस 1 2 3, जहां तक भी जा रहा है, जरूरी नहीं है कि माइनस 2 हो, माइनस 3 माइनस 4 भी आ सकता है। फिर एफ और यू को गुणा करना है, ये सारणी कंप्लीट होती है, आपका जो सवाल है वो पूरा सारणी पर निर्भर है। उसके बाद दूसरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा एफ इंटू एच, एक बार याद कर लेना अच्छे से। इस फॉर्मूले में जब मान रखा तो हमारा आंसर आ गया 47.95, जो 40 से 55 के बीच में ही है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो टेबल बनी हुई है उसी को बनाना है,
दस से पच्चीस, पच्चीस से चालीस, चालीस से पचपन, पचपन से सत्तर, सत्तर से पिचासी और पिचासी से सौ। ये तो टेबल है। दूसरा आपको एफ भी दिया हुआ है, कितना है एफ, कितना है, छः, बीस, चौवालीस, छब्बीस, तीन, एक। हो सकता है आपका डाटा चेंज हो जाए, संख्या चेंज हो जाए, बाकी सवाल आपका फिक्स है कि यही आएगा जिसमें आपको क्या दिया हो, एक सारणी दी होगी, आपको कह दे इसमें माध्य ज्ञात कीजिए या माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। सी एफ आपको निकालनी होगी। सी एफ होती है संचयी बारंबारता। सी एफ क्या होती है? संचयी बारंबारता, जिसको किस तरह से निकालते हैं। संचयी बारंबारता का अर्थ ही है कि हमें बारंबारता का संचय करना है किस तरह से। जैसे फर्स्ट बारंबारता कितनी है? छह। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें हम ये जोड़ते चलेंगे, जैसे छह में हमने बीस जोड़ा तो कितना हो गया? छब्बीस। इसी तरह 26 में हम 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। फिर 70 में हम 26 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। 96 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 99। और 99 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और आपको पता है सिग्मा एफ कितनी है? इसकी टोटल हमने अभी पिछले सवाल में की थी, 100 थी। दूसरी बात, आपका ये सी एफ आपने सही निकाली है या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं कि जो सिग्मा एफ है वही यहाँ की टोटल आएगी। यदि टोटल अलग आ रही है तो आप ये संचयी बारंबारता एक बार फिर से जोड़कर इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बट्टा दो माइनस सी बट्टा एफ इंटू एच। एच आपको पता है। अब हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले माध्यक वर्ग देखना है। माध्यक वर्ग क्या होता है? वो एन बट्टा दो पर निर्भर है। एन क्या है? जो ये सिग्मा एफ है इसी को हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। सिग्मा एफ को ही हम एन कहते हैं। यानी हमें एन बट्टा दो निकालना है। एन बट्टा दो यानी सौ बट्टा दो। सौ में जब दो का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? पचास। अब हमें क्या करना है? माध्यक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता क्या होनी चाहिए? पचास या इससे अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। छह क्या है? पचास से कम है। छब्बीस भी पचास से कम है, पर सत्तर क्या हो गया? पचास से ज्यादा हो गया। तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये सत्तर वाला हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। इसको हम एक ऊपर ऐसे लेके निशान बना देंगे, ठीक है। ये माध्यक वर्ग कौन सा है? चालीस से पचपन वाला। अब ये एल क्या है? ये एन बट्टा दो सी। एन बट्टा दो आपको हमने बता दिया कितना आ गया? पचास। एल क्या होती है? जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा होती है। यानी यहाँ एल का मान कितना हो जाएगा? आपको बता दें यहाँ एल जो है वो कितना है? चालीस। ये एल कितना हो गया? चालीस। एफ क्या होती है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और सी एफ क्या होती है? माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। ये सी लिख दो या सी एफ भी लिखा जाता है और केवल सी भी लिखा जाता है। और एच आपको पता है कितना है? वर्ग अंतराल। मान रखते हैं एल का मान कितना है आपका? चालीस प्लस एन बट्टा दो आपने निकाल लिया कितना आया? पचास। माइनस करेंगे छब्बीस, बट्टे में लिखेंगे एफ कितना है? चौवालीस गुणा पंद्रह, ठीक है। अब जोड़ते घटाते हैं पचालीस। जब पचास में से छब्बीस गए तो कितने रह जाएंगे? चौबीस और बट्टा चौवालीस इंटू पंद्रह, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हम इसका भाग लगाएंगे, मान लो हमने दो से भाग लगाया, ये कितनी बार? बारह बार। और ये कितनी बार? बाईस बार। फिर से दो का भाग लगाएं तो ये कितनी बार कट जाएगा? छह बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? ग्यारह बार। दो के बाड़े से काटे जो सबको आता है चालीस,
प्लस, ऊपर कितना रह गया 6, और 6 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, फिर बटा 11, 11 का भाग लगा देंगे हम 90 में तो कितना आ जाएगा 88 जाएगा, पहले 8 बार, फिर पीछे रह जाएगा 2, 11 जाएगा लगभग 1 बार। तो हम इसको कितना आंसर बता सकते, 40 में 8 और जोड़ देंगे 48.1, यानी इसका माध्यक जो आएगा वो कितना होगा 48.1 हो जाएगा। वापिस समझ लो, आपको माध्यक ज्ञात करना है तो सिर्फ एक ही कॉलम और बनेगा CF का, जो इस तरह से आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आपको पूछा गया है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसी सारणी है वैसी ही बन जाती है। वर्ग दिया हुआ है आपको 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 55 से 70, फिर आपको दिया हुआ है वर्ग 70 से 85 और 85 से 100। F दी हुई है आपको 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब हमें क्या करना है, जब बहुलक ज्ञात करना है तो हमें सारणी में कुछ भी नहीं करना है, हमें तो बस बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है, जो क्या होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या आ जाता है H। वापिस सुनो, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू एच। अब हम इसमें मान रखेंगे, पर ये F1, F0, F2 है क्या? सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें बहुलक वर्ग बताना होता है कि कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, कौन सी है 44, तो ये वाला वर्ग हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको एक हथौड़े जैसा साइन बना देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है 0, फिर 1, फिर 2, तो ये हो गया आपका F1, ये F2, सॉरी ये हो गया आपका F0, ये F1 और ये F2, ठीक है। अब F2 ज्ञात कर, हमें दिया हुआ है F1, F2 और F0। इसके अलावा आपको और क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ध्यान देना, L, L क्या होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी वैसे इसी में भी है, ये L हो जाएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें हम मान रखेंगे H का मान आपको पता है 15 है, क्योंकि वर्ग अंतराल कितना है 15, L का मान 40 प्लस F1 कितना है 44 माइनस 20 बटा 2 इंटू 44, 2F1 मतलब F1 को 2 से गुणा करना है, माइनस 20 और माइनस 24, गुणा किससे करना है आपको H से, H कितना है 15, ठीक है। अब गुणा करेंगे और घटाएंगे, 40 प्लस 44 में से 20 गए तो कितना 24, नीचे 44 को 8, 2 से गुणा किया 88 माइनस 2, जब दोनों माइनस की है तो जोड़ दिया कितना आ गया 44 गुणा 15, फिर से 40 प्लस 24 बटा 44 गुणा करेंगे 15 से, ठीक है।
ये मान आपने देखो यहाँ 26 लिखा हुआ है या 24 लिख दिया, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, ये मान 24 नहीं है 26 है, यहाँ भी 46 हो जाएगा, वापिस से लिख लेते हैं। मान रखते वक्त आपको ध्यान रखना है गलती से भी मान गलत नहीं होना चाहिए, ये 46 हो जाएगा माइनस का, और घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा, कितना होगा माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। मान रखते वक्त आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हम इसको फिर दो से काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, 2, 12, और यहाँ कितना आ जाएगा 21, और काट दे 2, 3 से तो ये कितनी बार 4 बार, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार। वापिस से अब क्या लिख सकते हैं हम, 40 + 4 × 15/7, 15 को 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 60/7, 7 का भाग लगा दोगे 56 आएगा, 8 बार पीछे रह जाएंगे 4, 40 नहीं 35 आएगा 5 बार, यानी इसका आंसर लगभग कितना आ जाएगा 48.5, कितना आ जाएगा इसका आंसर 48.5, बहुलक भी कितना आएगा 48.5। अब आपको या तो ये क्वेश्चन आ जाए कि सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए या बहुलक, ये तीन ही क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन में समझा है, एक चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं, हो सकता है कोई बारंबारता नहीं दी हुई है और आपको कह दे ये बारंबारता ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, और आपको माध्य दिया हुआ है कितना है 28.5, वर्ग हो जाएगा आपका वापिस 0 से 10, 10 से 20 कितने का अंतराल है आप बता सकते हो, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। एफ दे रखी है आपको 5x, 20, 15y और 5, और इसकी टोटल आपको दी हुई है कितनी है 60 है, माध्य दिया हुआ है। देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि निम्न बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान यानी दो बारंबारताएं हमें नहीं दी हुई है वो ज्ञात करनी है, और माध्य दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है आपको माध्य, हमें फॉर्मूला भी किसका लगाना है माध्य का, माध्य बराबर क्या होगा L प्लस, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था n/2 - c/f × h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको एक ही कॉलम और बनाना है, वो कौन सा है CF, CF का कॉलम हम क्या करेंगे और बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे, CF होती है संचयी बारंबारता। सबसे पहले हमने लिखा संचयी बारंबारता 5, फिर 5 में जब x जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 5x, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, 5 में x जुड़ेगा नहीं क्योंकि एक चर है और दूसरा अचर है, यानी ये क्या हो जाएगा 5 + x। अब इस 5 में हम 20 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 + x, ऐसे ही लिख देंगे 25 में ये 15 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 + x, ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसमें y और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 + x + y। गलती से भी x और y को डायरेक्ट नहीं लिखोगे, प्लस लगाओगे, जोड़ रहे हैं हम किस में अचर राशि में, चर राशि को जोड़ रहे हैं। अब 5 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, एक समीकरण, क्योंकि हमने आपको बताया कि सिग्मा एफ जो होता है या इसको एन भी कहते हैं, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो एक समीकरण हम बना सकते हैं, वो क्या बन सकता है कि ये जो 60 है वो किसके बराबर है, ये जो 60 है इसके बराबर हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। 45 का जब पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 - 45,
बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। 60 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 बराबर एक्स प्लस वाई। ये समीकरण हम एक दे सकते हैं इसको, इससे हम क्या करेंगे क्योंकि देखो अज्ञात राशियां कितनी है, दो है, एक्स और वाई, समीकरण भी कितने बन जाएंगे दो। अब हम क्या करते हैं इस पर आते हैं, माध्यक आपको दिया हुआ है कितना है 28.5। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, एन बट्टा दो करके, एन बट्टा दो यानी एन का मान कितना है 60 बट्टा दो, कितना आ जाएगा 30। एन बट्टा दो 60 बट्टा दो कितना आ गया 30। अब यहाँ 30 या 30 से अधिक देखना है, हमें क्या पता कौन सा होगा। हम इस सवाल में माध्यक वर्ग कैसे डिसाइड करेंगे, देखो माध्यक आपका कितना है 28.5 जो किसके बीच में आया हुआ है 20 और 30 के बीच में आया है, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग जो होगा ये 20 और 30 हो जाएगा माध्यक वर्ग, और इसके ऊपर ये x प्लस 5। ठीक है, अब ये हो गई f जो पिछले सवाल में थी, ये हो जाएगा l, ठीक है, ये हो जाएगी c, बाकी h आपको पता है कितने का अंतर है, h कितना है 10 है, वर्ग अंतराल कितना है 10 है, मान रखते हैं l का मान कितना है 20 प्लस एन बटा दो कितना निकाला 30 माइनस सी एफ कितना है आपका, सी कह दो, सी एफ कह दो, एक्स प्लस 5। यहाँ हम क्या करेंगे 5 प्लस एक्स को कोष्टक में लिखेंगे, यदि आपने इसको कोष्टक में नहीं लिखा तो आपका सवाल यहीं से गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यदि कोष्टक में नहीं लिखा तो केवल ये 5 माइनस का कहलाएगा, जबकि है क्या 5 भी माइनस का है और एक्स भी क्या है माइनस का, बट्टे में कितना आ जाएगा एफ जो कि कितना है 20 इंटू क्या आ जाएगा एच जो कि 10 है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करें, 28.5 बराबर 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, जब कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बट्टा दो। इस 20 का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 30 में से 5 गए 25 माइनस एक्स बट्टा दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जब 28.5 में से आप 20 घटाओगे, सिंपल सा घटा सकते हो, 28.5 है, 28.5 है, 28.5 में से 20 चले गए तो कितना बचा 8.5 यानी 28.5 गुणा किससे करना है 2 से, ये 2 इधर आ जाएगा, बचा कितना 25 माइनस एक्स, घटे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। 8.5 को जब 2 से गुणा करेंगे आपको पता है 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 0.5 का कितना हो जाएगा 1, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 25 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे देखो x माइनस का है, x को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 17 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 17। जब 25 में से 17 आप घटाओगे तो पीछे कितना बच जाएगा 8, x का मान कितना आ गया 8। अब यदि हम x का मान इसमें रख देंगे किसमें, समीकरण एक में, समीकरण एक में क्या करेंगे x का मान रख देंगे समीकरण एक में, तो क्या आ जाएगा 15 बराबर 8 प्लस y, 8 का इधर लाके पक्षांतरण करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 7, यानी अज्ञात बारंबारताएं जो है x और y उसके मान कितने आ जाएंगे 8 और 7। वापिस समझो, सिर्फ हमें माध्यक का फॉर्मूला लगाना है, सारणी में सी एफ निकालिए, माध्यक वर्ग आपको 28.5 से देखना है कि 28.5 20 और 30 के बीच में आएगा, तो माध्यक वर्ग कितना होगा 28.5 है तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 20 से 30 के बीच में हो जाएगा। अब यह हुआ आपका सांख्यिकी का रिवीजन पूरा। प्रायिकता में देखते हैं कुछ सवाल आते हैं, कुछ एक नंबर के होते हैं कुछ तीन नंबर के, वो किस तरह से है, एक नंबर के कई सवाल आते हैं प्रायिकता में, जैसे कि
यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता दे दी आपको कि कोई घटना है ए, उसके होने की प्रायिकता है 0.64, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता बताइए। ये नहीं होने की प्रायिकता, तो आपको पता है प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है, तो होने की प्रायिकता क्या है 0.64, तो नहीं होने की क्या हो जाएगी 1.1 - 0.64। जब आप घटाओगे तो किसका आंसर आ जाएगा, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो उसके हारने की प्रायिकता बताइए, ठीक है, तो वो भी इसी तरह करना है कि प्रायिकता का योग एक होता है, एक में से घटा देंगे। अब एक में से इसको कैसे घटाओगे, आप लिखोगे 1.00 0.64। जब घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 0, तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.36। इन दोनों को जब आप जोड़ के देखोगे तो योग कितना होगा 1, मतलब किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। इसी तरह आपको कह दे एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, पासे को पूछ ले कि पासे पे सम संख्या आने की, आपको पता है पासे पे 1 से 6 अंक होते हैं, तो सम संख्या कौन सी हुई 2, 3, 4, तो 3/6, और विषम की पूछ ले तो भी 3/6 या 1/2 कह सकते हैं। ये सब है 1 नंबर के छोटे सवाल। अब इसमें कुछ सवाल आते हैं 3 नंबर के बड़े सवाल, वो 3 नंबर के बड़े सवाल कौन से होंगे, वो कुछ इस तरह से है। जैसे आपको दे दिया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पासा है उसको कितनी बार फेंकना है 2 बार। अब जब पासे को 2 बार फेंका जाता है तो पासे को 2 बार फेंकने पर, पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। देखो एक पासे पे 6 होते हैं, दूसरे पे भी 6, कुछ बच्चे कहेंगे 12, नहीं होंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे, कुल परिणाम कितने होंगे 36। अब वो 36 परिणाम कौन से होते हैं ध्यान से देखना, हमें गिनती लिखनी है बस। आपको पता है 11 12 13 14 15 16, कॉमा लगाते हुए कोष्टक में कर देना इसको, ठीक है। इसी तरह 21 22 24 25 और 26, हम 27 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें पता है पासे में 1 से 6 तक गिनती होती है, तो 7 लिखना ही नहीं, 8 भी नहीं लिखना है, 31, 6 से बड़ा अंक इस पूरे में आएगा ही नहीं, 32 33 34 35 और 36, फिर 41 42 43 44 45। मैम बच्चे सोचे होंगे मैम हमें ये क्या गिनती सिखा रही है, हमें गिनती तो आती है पर ये गिनती नहीं है, अभी समझना ये क्या चीज है। 51 52 53 54 55 56, फिर आ जाएगा 61 62 64 65 66, ठीक है, ये हो गए कुल। देखो काउंट करोगे सारे परिणाम कितने होंगे 36। अब ये परिणाम है क्या, देखो एक पासे को 2 बार फेंका, मान लो 1 बार 1 आया और जब दूसरी बार फेंका तो फिर से क्या आ गया 1 आ गया, यानी एक पासे को जब 2 बार फेंका और दोनों बार ही क्या आया 1 आया,
अगर हम इसकी बात करें तो मान लो हमने पासे को दो बार फेंका, एक बार तीन आया और दूसरी बार भी तीन आ गया, तो ये हमने कुल 36 परिणाम बनाया। इसकी बात करें तो जैसे एक बार पासे को फेंका पांच आया, दूसरी बार पासे को फेंका तो चार आ गया। एक पासे को दो बार लिखा आ जाए या दो पासे एक साथ लिखा आ जाए, एक ही बात है, 36 परिणाम होंगे। वो 36 परिणाम इस तरह से होंगे। अब हमें क्या पूछा है, अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग 9 हो, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो अंकों का योग 9 कहाँ हो रहा है, देखो इनका योग कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसी तरह से यदि हम देखें इनका योग देखें तो कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से इसका योग 4 होगा। आप चेक कर सकते हो, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। इसी तरह से इस क्रॉस लाइन का योग कितना होगा, 5। इस क्रॉस लाइन का योग कितना हो जाएगा, 6। इसका योग कितना हो जाएगा, 7। इसका 8। हमें क्या पूछा है, अंकों का योग 9। 9 के परिणाम कितने हो रहे हैं अभी देखेंगे। देखो प्रायिकता में आपको तीन ही चीजें ध्यान रखना है, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और प्रायिकता। तीन शब्दों का ध्यान रखना है। पहले तो आप देख लो कुल परिणाम कितने हैं। अंकों का योग दो पासे को फेंकने पर कभी भी 13 नहीं होगा, कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि दोनों पासों पे 1 आ रहा है तो भी योग कितना हो रहा है, 2, और दोनों पर 6 आ रहा है तो भी योग कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। कभी भी योग 12 हो रहा है, 13 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कभी हम 7 नहीं लिख सकते, 7 लिखेंगे तभी योग 13 होगा, और पासे पे 7 तो होता नहीं है। अब हमें जो सवाल पूछा, पहला सवाल कि इस संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो संख्याओं का योग कहाँ कहाँ 9 हो रहा है, 6 3 आए, 4 5 आए, 4 5 या 5 4 आ जाए, 3 6 आ जाए, तो योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, किसकी, अंकों का योग 9, तो क्या हो जाएगी, अंकों का योग 9। कुछ नहीं करना, आपको पी लिख देना है, परिणाम कुल परिणाम 36 है, परिणाम लिख देना है, उसके बाद अंकों का योग 9 के प्रायिकता, प्रायिकता के लिए आपको बस पी वर्ड लिखना है। अब प्रायिकता कितनी हो जाएगी, परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, अंकों का योग 9 के परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 36। जब 36 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 बार कट जाएगा, 1/9। इसी तरह पूछा है अंकों का योग 13, 13 हो रहा है क्या, कहीं अंकों का योग नहीं हो रहा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0/36 या फिर 0। अंकों का योग 7, 7 कहाँ हो रहा है, देखो 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, इन सभी जगह अंकों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो अंकों का योग 7 के कितने परिणाम है गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। अंकों का योग 7 है, कुछ बच्चे कह देते हैं 7/36, नहीं होगा, अंकों का योग 7 होने के परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो 7 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 7/6/36। अंकों का योग 7 के परिणाम कितने, अभी हमने गिने 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी हो जाएगी, 6/36 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। ये हो गया पासे से संबंधित सवाल, अंकों का योग कुछ भी पूछ ले, आपको तो बस ये टेबल याद रखनी है। अगर ये टेबल याद है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। अगला सवाल आता है ताश के पत्तों से, तो ताश के पत्तों से संबंधित कोई भी सवाल आने से पहले हमें ताश के पत्तों के बारे में जान लेना है। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, जिसमें से 26 तो होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। ठीक है, रेड कितने होते हैं, लाल रंग के कितने होते हैं, 26, और काले रंग के भी कितने होते हैं, 26। अब जो 26 होते हैं उसको फिर 13 और 13 में डिवाइड कर दिया जाता है। ये 13 होते हैं पान के, रेड में भी दो तरह होते हैं पान और ईट, और ब्लैक में भी दो तरह के होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो भी 13 13 होते हैं, चिड़ी और
हुकुम। कुछ बच्चों ने देखा होगा ताश के बच्चे, कुछ ने नहीं देखा होगा। ताश के पत्ते होते हैं जिसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के, फिर उस पे डिजाइन बनती होती है। पान का पत्ता कुछ इस तरह से हार्ट शेप में होता है, ईंट का पत्ता यूं ईंट बनी हुई होती है, चिड़ी का पत्ता जिसमें इस तरह से फ्लावर बना हुआ होता है, और हुकुम का पत्ता जो उल्टा हार्ट बन के नीचे ट्री बन जाता है। ये होते हैं पत्ते, ठीक है। अब इसमें भी क्या होते हैं, कई तरह के पत्ते होते हैं। इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम, गुलाम, सभी तरह के पत्ते होते हैं। जैसे हमने लिया इक्का, इक्के कितने होते हैं, चार होते हैं, और चारों ही चार तरह के होते हैं। एक पान का, एक ईंट का, एक चीड़ी का, एक हुकुम का। इसी तरह ले लो बादशाह, ले लो बादशाह भी कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से, एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का। इसी तरह चाहे बेगम हो चाहे गुलाम हो, सब में इसी तरह से होता है। और भी पत्ते होते हैं जिसपे 9 लिखा होता है, 10, 7, 6 सब कुछ लिखा होता है। पर जो आपके कोर्स में है वो इन पत्तों का ध्यान रखना जरूरी है। और इसमें से ये जो पत्ते होते हैं इन पे क्या होती है, तस्वीर बनी होती है। इसलिए बादशाह बेगम जो गुलाम होता है इस पे तस्वीर बनी होती है, इसलिए इसको फेस कार्ड भी कहते हैं। फेस कार्ड कुल कितने होते हैं, 4, 4, 8, 4, 12 हो जाते हैं। अब जो सवाल पूछे गए हम इसी को देखते हुए उनके जवाब देंगे। जैसे हमें पूछा, आपको याद रखना है कुल पत्ते कितने हैं, 52। यानी ताश के पत्तों से कोई भी सवाल आ जाए आपको क्या करना है, 52 का ही भाग लगाना है। कुल परिणाम जो होते हैं वो हमेशा नीचे होते। अब पहला पूछा है लाल रंग का गुलाम क्या है, गुलाम है, और किस रंग का है, लाल रंग का गुलाम। तो चार होते हैं, पर लाल गुलाम कौन से होते हैं, देखो पान का और ईंट का, ये दोनों गुलाम क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो लाल रंग का गुलाम आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे पी लगा के लाल रंग का गुलाम कितना लिखना है, 2/52। काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/26। इसी तरह पान का इक्का क्या है, इक्का है, पर इक्का कौन सा है, पान का। आपको तो ये टेबल बना के याद कर लेना है कि कौन से पत्ते किस तरह के होते हैं। पूछा है पान का इक्का, पान का इक्का, इक्का कितने हैं, चार है, पर पान का कितना है, एक ही है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पान का इक्का 1/52। अगला पूछा एक बादशाह, एक शब्द देख के बच्चे क्या कर देते हैं, 1/52, जबकि ऐसा नहीं है। एक बादशाह यानी चार में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी, एक बादशाह 4/52। चार बादशाह होते हैं, अगर बादशाह के आगे लाल लिखा होता, पान, ईंट, गुलाम कुछ ऐसा लिखा होता तो हम इधर आते, पर सिर्फ बादशाह लिखा है, बादशाह तो चार होते हैं, आंसर दे दिया। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 26/52, कितनी हो जाएगी, 26/52। आपको तो कुछ नहीं करना, पी लिख के और लाल रंग का पत्ता लिख के आंसर लिखना है। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कितना है, देखो यहाँ ध्यान से देखो इस टेबल को, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो ताश के पत्तों से कैसा भी सवाल आ जाए जो बुक में नहीं है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ हुकुम का पत्ता कितना है, 13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 13/52, कितनी हो जाएगी, 13/52। वापिस ध्यान दो बच्चों, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। कुल पत्ते होते हैं 52, जिसमें रेड होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं, 26, फिर रेड में भी दो तरह के होते हैं, पान और ईंट के 13 और 13, चिड़ी और हुकुम के भी कितने होते हैं, 13 और 13। उसमें पत्ते होते हैं इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर 10 लिखा होता है, फिर 9 लिखा होता है, 2, और बहुत सारे। पर हमें जो काम में है वो यही है जिससे हमें ये टेबल याद रखनी है। कैसा भी सवाल आ जाए आप बता सकते हो उसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ये 3 नंबर के बड़े सवालों में आ सकता है। अगला सवाल है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये 53 सोमवार क्या है बच्चों, ध्यान दोगे, लीप वर्ष, पहले लीप और अलीप समझ लेते हैं। लीप वर्ष आता है जिसमें वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं, कुल दिन कितने होते हैं, कुल दिन होते हैं 366, ठीक है। फरवरी कितनी होती है,
फरवरी 29 दिन, इसलिए कितने दिन हो गए 366। ठीक है, अब 366 सप्ताह पूछ ले तो कितने होंगे, सप्ताह पूछ ले तो कितने होंगे 52। कैसे आया, आप क्या करोगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 366 में जब 7 का भाग लगाओगे, क्या करोगे, 366 में 7 का भाग लगाओगे, 35 5 बार, 1 रह गया 6, 16, 14 2 बार, पीछे शेष दिन कितने बचे 2, तो सप्ताह तो कितने हो गए 52, शेष दिन क्या हो गए 2, शेष दिन कितने हो गए 2। अब हमें जो सवाल करना है वो बस इस 2 दिन पर ही आधारित है, वो किस तरह से है, ध्यान दो, देखो सप्ताह कितने हैं 52, तो कोई भी दिन होगा वो कितना होगा, जैसे सोमवार पूछ ले तो वो 52 होगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार कोई भी दिन पूछ ले 52 तो होगा ही। अब ये 2 दिन में भी कौन सा दिन आता है वो हमें देखना है, तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे इस 2 दिन को देखते हुए, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 7, कितने होंगे 7, कैसे होंगे वो समझते हैं, किस तरह से होंगे ये 7 परिणाम, ये 7 परिणाम इस तरह से हुए कि मान लो वो 2 दिन क्या हो गए, या तो वो 2 दिन हो गए सोम मंगल या फिर मंगल बुध, ये एक परिणाम, दूसरा मंगल बुध या बुध गुरु, या 3 परिणाम गुरु शुक्र, शुक्र शनि, कंटिन्यू दिन होंगे, ये नहीं क्या गुरु के बाद सीधे शनि ले ले, शुक्र शनि, शनिवार रविवार, और फिर रवि सोम, क्या जाएगा रवि सोम, तो टोटल परिणाम कितने हुए बच्चों, देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, मतलब 2 दिन है तो वो 2 दिन कौन सा हो सकता है, या तो सोम मंगल हो जाए या मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, कोई भी 2 दिन कंटिन्यू। अब हमें सवाल क्या पूछा है, ध्यान दो, 53 सोमवार, यानी 52 तो है ही, ये जो 7 परिणाम है इसमें भी क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए। अब इसमें सोमवार होने के लिए हम कौन सा देखेंगे, ध्यान देना, सोमवार कहाँ कहाँ है, 53 सोमवार चाहिए, अगर 52 चाहिए होते तो हम इसमें सोमवार वाले को हटा देते, देखो इसमें सोमवार 2 जगह लिखा हुआ है, एक सोम मंगल और एक रवि सोम, हमें क्या चाहिए 53 सोमवार, 53 सोमवार चाहिए, यानी इनमें भी क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए। अब ये नहीं कहना कि ये 52 हो गया, ये 53 और ये 54, नहीं, ये तो इन 7 में से या तो ये वाले दिन होंगे या ये दिन होंगे, तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम किसके, 53 सोमवार के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2। अगर 52 लिखा होता कि 52 सोमवार चाहिए, यानी इसमें से इन दोनों को हटा देते, अनुकूल परिणाम कितने हो जाते 5 हो जाते, वापिस समझो 53 सोमवार चाहिए तो सोमवार होने चाहिए, और 52 चाहिए होते तो सोमवार नहीं होने चाहिए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2, तो 53 सोमवार की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 53 सोमवार की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 53 सोमवार की प्रायिकता 2/7, कुल परिणाम 7 है और प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/7, अनुकूल परिणाम 2 है, क्योंकि 53 सोमवार चाहिए, 52 तो यहाँ हो गया, और देखो इनमें 2 कंडीशन ऐसी है जिसमें सोमवार है, तो ये 2 परिणाम हो गया अनुकूल, 53 सोमवार की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/7, और 52 की पूछ ले तो कितनी हो जाएगी 5/7। इसी तरह अगर अर्ली पोर्स होता तो यहाँ 365 की जगह 366 की जगह कितना हो जाता 365 हो जाता, शेष दिन कितना बचता है 1, अब वो शेष दिन कोई भी हो सकता था सोमवार से लगा के रविवार तक, और फिर उसमें हम 53 और 54 की प्रायिकता बता सकते हैं,
ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छ चयन किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि 1 से 17 लिखा है तो आपके एग्जाम में भी 1 से 17 ही आ जाए, संख्याएं चेंज हो सकती है, कैसा भी सवाल हो सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 17, जो कहां से स्टार्ट है, 1 से शुरू है और कहां तक है, 17 तक। ठीक है, अब पहला क्या पूछा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप सभी जानते होंगे, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या के परिणाम कितने होंगे, अभाज्य संख्या के परिणाम क्या होंगे वो आपको बताना है। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें स्वयं का तथा एक का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, एक और स्वयं संख्या का भाग जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 7 के बाद कुछ बच्चे 9 लिख देते हैं। 9 अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है, क्योंकि 9 में देखो 1 का, 3 का, 9 का सबका भाग जाता है, परंतु हमें तो वही संख्या लेनी है जिसमें स्वयं का या एक का भाग जाता है, 1, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 15 भी नहीं होगी, 15 में भी 1 का, 3 का, 5 का कई संख्याओं का भाग जाता है, हमें वो संख्या लेनी है जिसमें स्वयं खुद का भाग। तो ये कुल कितनी संख्याएं हो गई, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पी अभाज्य संख्या, पी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, पी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी। कुल परिणाम कितने हैं, 17, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 7। हमेशा कुल परिणाम नीचे ही आएगा, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/17। अब पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे 4, 4 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 2, 9, 9 का वर्गमूल 3, 16 और 25। 1 भी होती है, 1 का वर्गमूल निकलता है कितना होता है, 1 ही होता है, 2, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5। परंतु 25 हमें नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि संख्या कहां से स्टार्ट है, 1 से 17, 25 अधिक हो गए, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, पी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी कितनी है, 4 है, 4/17। अगला क्वेश्चन देखो, 2 या 3 का गुणज, 2 या 3 का गुणज मतलब ऐसी संख्या लेना है जिसमें 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, ये संख्याएं कौन सी होंगी, देख लेते हैं। 2 और 3 का भाग दोनों का जाना चाहिए, पहली तो 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं होगी, 6, फिर 7 नहीं, 8, 9 नहीं, 9 हो जाएगी, 3 का भाग जाता है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 12 के बाद 13 नहीं, 14, 14 के बाद 15 नहीं, 15 भी हो जाएगी, 3 का भाग जाएगा, 16, 2 का भाग जाएगा, 17 नहीं होगी। तो ये वे संख्याएं हैं जिसमें 2 और 3 का भाग जा रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लिया, 10 भी होगी, 10, 12, 14, 16, ये तो 2 का, 3 का, 3, 6, 9, 12, 15। तो कुल कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 2 और 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 11, संख्या है 11/17, किसकी प्रायिकता हो जाएगी, 2 या 3 का गुणज होने की, 2 या 3 का गुणज मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए बच्चों और 3 का भी भाग
जाना हो चाहिए। अब ये हुआ चैप्टर आपका 10 नंबर का कंप्लीट, जिसमें आपने पढ़ा प्रायिकता और सांख्यिकी। सांख्यिकी से एक बड़ा सवाल आएगा जो 6 नंबर का होगा, प्रायिकता से 2 सवाल आएंगे, एक छोटा सवाल 1 नंबर का और एक बड़ा सवाल 3 नंबर के। 3 नंबर के सवाल हमने बताए, छोटा सवाल 1 नंबर का भी आपको हमने बताया। इसके अलावा आपको ये सारा समझ में आ गया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।